subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. 35 ASHA workers were caught accepting gifts from a private clinic here in Badayun on Sunday. What emerged officials say is a nexus that has led to an underreporting of births in the district. ASHA workers are meant to take pregnant women to the district hospital at the time of delivery, but can get a larger cut if they encourage them to go to a private clinic instead. Officials from the health department say that Aisha Nursing Home, the nursing home in question, did not register with the government's birth portal, nor did it register a single birth since it was first established in around 2014. देखिए जो आशाएं वहाँ पकड़ी गई हैं, उनके जो विधिक कार्रवाई चल रही है वो नियमानुसार होगी और जो हमारे यहाँ से जो स्तर से होनी है, उसमें विधिक कार्रवाई करते हुए हम उन्हें जो है उनकी सेवाओं से रद्द करेंगे। क्योंकि ये हमारे लिए एक अलग चीज़ हो गई है कि हमारी जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हैं वो कम हो रही हैं, जिसमें कि आशाएं सरकारी अस्पताल में ना ले जाकर प्राइवेट में ले जा रही हैं, तो उसका एक ये नमूना था जिसकी वजह से हमें ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। अच्छा, और ये जो आशा नर्सिंग होम है, ये कितनी देर से चल रही है? ये तो काफ़ी दिन से चल रहा है, आशा नर्सिंग होम है, ये काफ़ी दिन से चल रहा है। अच्छा, और रजिस्टर्ड है, लीगल है? हाँ, रजिस्टर्ड है। नहीं, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ नहीं कर, वो चीज़ नहीं है। उन्होंने आशाओं को बुलाकर उन्हें एक प्रलोभन दिया, उन्हें गिफ्ट या इंसेंटिव शायद वो कुछ दे रहे थे। आयशा नर्सिंग होम इज ओन्ड बाय लोकल समाजवादी पार्टी लीडर स्वाले चौधरी, हु हैज बीन ऑन द रन सिंस द प्रेमिसेस वाज रेडेड ऑन द 27th ऑफ दिसंबर। The nursing home hasn't reported a single delivery since it was first established in 2014-15. जैसे ही हमारी टीम वहाँ पहुँची तो कुछ आशाओं ने अपने गिफ्ट पैक्स को लेके खिड़की से बाहर फेंकना चालू कर दिया, तो वो सारे गिफ्ट पैक भी हमने सीज़ किए। और साथ ही साथ जो ओनर था, उसमें ओनर में कुछ लोग भाग गए, वहाँ डॉक्टर थे और एक मैनेजर थे, वो पकड़े गए, तो उनको भी बैठा के पुलिस लोकल थाने पर ले आई। और वहाँ पे फिर उसके बाद हमारे डिप्टी सीएमओ और सीएमओ की टीम को भेजा गया लोकल थाने में। वहाँ वो गए, तब उसके बाद एफआईआर वगैरह दर्ज करने की कार्रवाई हुई। और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो नर्सिंग होम थे उनके कागजात वगैरह मंगवाए गए हैं, अब उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की कार्रवाई कर रहे हैं। आशाओं पे भी हमने मुकदमा लिखवाया है, इनके ओनर पे भी मुकदमा लिखवाया गया है। अभी जो इसके ओनर हैं नर्सिंग होम के, वो फरार चल रहे हैं, लेकिन जो मैनेजर थे और डॉक्टर थे उनको हमने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आशाओं को निजी मुचलके पे छोड़ा गया है और उनका सर्विसेज जो है उनको टर्मिनेट करने की कार्रवाई कर रहे हैं। In 2005, the Ministry of Health launched the Janani Suraksha Yojana, a scheme aimed at increasing the number of institutional births among poor pregnant women. For every public hospital delivery, ASHA workers as well as expectant mothers are paid a fixed sum as an incentive. Uttar Pradesh is among the worst performers when it comes to reporting institutional deliveries, and in Budayun, ASHAs are paid Rs. 600 for every public hospital delivery, the highest the central scheme offers. The incentive does not extend to ASHAs if they take expectant mothers to any private institutions. District officials say ASHAs take pregnant women to private clinics at the time of delivery because they can get a bigger cut. देखिए, ये नेक्सस होता है, एक बड़ा नेक्सस था उसमें, क्योंकि प्राइवेट फैसिलिटी में ले जाएंगे तो वहाँ वो सीजेरियन ऑपरेशन करेंगे और उनसे ज़्यादा पैसे लेंगे, और जब ज़्यादा पैसे लेंगे तो उसका कुछ शेयर जो है कंसर्न आशा को देंगे, तो वो उनको लगता है कि जो हमें गवर्नमेंट से ऐड मिल रहा है वो कम है और ये ज़्यादा है, तो वो भी उस लालच में आके इस प्रकार की कार्रवाइयाँ करते हैं। आशा वर्कर्स कॉट बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिनाइड एनी रॉन्ग डूइंग टू द प्रिंट। मैं बाहर गई थी, मैंने 50 गज का प्लॉट खरीदा था, उसकी मैं नींव भरवाने गई थी, तो पुलिस बाहर खड़ी थी, तो मैडम मैं भी उसे देखने लगी थी, और भी बाकी लोग थे दो चार, तो पुलिस वालों ने हमें भी अंदर कर लिया। जब वहाँ ले गए तो मुझसे पूछा कि तुम कौन हो, मैं झूठ नहीं बोली, मैंने कहा मैं आशा हूँ, मैं अपनी प्लॉट की नींव भरवा के आई हूँ, बस इतना मुझसे पूछा, मैंने बोल दिया। वैसे आशा का काम महिला के लिए क्या होती है, जो प्रेग्नेंट महिला होती है? हाँ, महिला के लिए देखभाल उसकी करना, चार जांचें कराना, तीन जांच एनएम करती है, चौथी जांच जिले पे करवाते हैं हम, फिर उसके घर पे उसे सिखाते हैं कि आपको केस अस्पताल ले जाना है, अस्पताल आपको जाना है, हम अस्पताल ले जाते हैं एम्बुलेंस से, और फिर हम उसकी 48 दिन तक उसके बच्चे की देखभाल
करते हैं, उसका वजन तोलते हैं, उसकी बीपी लेते हैं, उन्हें बताते हैं, हाथ धोना सिखाते हैं, बच्चे को ऐसे रखना वैसे रखना, सारी हम सलाहें देते हैं। आप थोड़ा बता सकते हैं कि उस दिन आप क्या काम कर रहे थे और क्या हुआ था एग्जैक्टली? मेरी बहू की तबीयत नहीं सही है, वहाँ का इलाज चल गया है सकरी वाले के यहाँ का, तो मैं आपको पर्चा भी दिखा सकती हूँ उस दिन का, और दवा लेने जा रहे थे तो कुछ आशाएँ जा रही थी गिफ्ट लेके, तो उन्होंने हमने पूछा ये कहाँ से लाई है, कहीं पार्टी आटी से, तो बोली नहीं वहाँ नर्सिंग होम में बट रहे हैं, चली जाओ अभी तो मिल रहे हैं, तो मैं देखो चली गई। और गिफ्ट वहाँ पे क्या था? गिफ्ट ये खीर सेट था वहाँ पे। आपको भी लेके गए थे? हाँ हम निकल जाए थे अस्पताल से बाहर सड़क पे, तब सड़क से एडजस्ट हमारे हाथ में गिफ्ट देखा, जब उन्होंने एडजस्ट कर लिया मैंने फेंक दिया वो वहीं पे। आप लोगों ने फेंक दिया? और पुलिस ने आपसे कुछ पूछा है और सीएमओ साहब या किसी ने अधिकारी से किसी ने आपको अभी तक बोला है आपने? नहीं कुछ नहीं, कुछ सिर्फ नाम लिखवाया और पति का नाम पूछा, हमारा नाम पूछा बस। The Ashas say they were detained for several hours by the police, but neither questioned nor told about the action that would be taken against them. मुझे बिल्कुल गलती मेरी ये थी, मुझे कुछ नहीं मालूम था ना, मुझे मैं कभी जाती नहीं हूँ ना मुझे मालूम था कि ये प्राइवेट में क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं तो बातों में आके वहाँ पे चली गई और फिर मुझे वहीं रोक लिया गया, वहाँ से फिर मुझे वहाँ सिविल लाइन ले जाया गया, फिर मुझसे जो पूछा वो मैंने सही नाम पता बताया जी। हाँ मेरा आधार लेके गए मेरे घर से गार्जियंस, तब मुझे वहाँ से छोड़ा गया। और उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट सीएमओ या किसी ने आपसे अभी तक बात किया है आपके काम के बारे में इस बारे में? वो अभी मुझसे किसी ने बात नहीं करी है, मैंने अपनी संगनी से बात की आज, तो वो ये कह रही कि उनका हमारे VCPM ने उनसे फ़ोन करके पूछा होगा कि वो आपकी आशा कैसी हैं, तो वो ये कह रही कि मैंने कहा वो बहुत अच्छी महिला हैं और सब उनके सरकारी में केस होते हैं प्राइवेट में नहीं होते हैं, और वो तो ये कह रही थी आज मुझे ये फ़ोन करके उन्होंने बताई है। Officials say 5-6 nursing homes not complying with the medical norms and operating illegally have been suspended since April this year in the district. Reporting from Badayu, this is Simran Sirur with Suraj Singh Bisht.